आमना सामने मीडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं सीवड़ी क्रॉस रोड पे, जहां पर एक महामेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है वार्ड नंबर 201 में। सीवड़ी क्रॉस रोड उर्दू म्यूनिसिपल स्कूल में आप सभी का स्वागत है। समाजवादी पार्टी साउथ सेंट्रल मुंबई डिस्ट्रिक्ट वार्ड नंबर 201 के कर्मठ कार्यकर्ता, युवा नेता, दक्षिण मुंबई जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के साजिद अहमद सिद्दीकी की ओर से यहां पर महामेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। उन्हीं के साथ महिला तालुका अध्यक्ष समाजवादी पार्टी इरम साजिद सिद्दीकी की ओर से भी इस महामेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि इस महामेडिकल कैंप का जो अभी अभी उद्घाटन हुआ है, और आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के महामेडिकल कैंप को आयोजन करने में साजिद अहमद सिद्दीकी ने बहुत जबरदस्त मेहनत की है। उन्होंने इस इलाके के लिए बहुत सारी खिदमत अंजाम दी है, और ये लगातार जनता के लिए, आवाम के लिए ऐसी खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। साजिद अहमद सिद्दीकी और इरम साजिद सिद्दीकी ने इस महामेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। इस महामेडिकल कैंप के आयोजन में सहयोग किया है वो है चेंबूर हॉस्पिटल एंड ICCU ने। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इलाके के लोग, सैकड़ों लोग यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं। इस महामेडिकल कैंप आयोजन करने में चेंबूर हॉस्पिटल एंड ICCU ने अपना सहयोग दिया है। इस पूरे महामेडिकल कैंप को ऑर्गेनाइज करने में नासिर खान का बहुत अहम किरदार है, बहुत अहम रोल है। वही हम एक नाम जो बहुत ही खास है, मनराज प्रतिष्ठान का, जिसके मनोज राजन नाथानी साहब है, जिन्होंने इस मेडिकल कैंप को आयोजन करने में बहुत मदद की है और अपनी खिदमत को पेश किया है। आप देख सकते हैं कि लगातार भीड़ बढ़ती चली जा रही है, और इलाके के लोग इससे फैज हासिल करने के लिए चले आ रहे हैं। इस मेडिकल कैंप में खास तौर से ये ख्याल रखा गया है कि सबको मास्क लगाना जरूरी है। एंट्री पर ही बाकायदा उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, उनका बुखार चेक किया जा रहा है, लोगों को सैनिटाइज किया जा रहा है, और ये लोगों से अपील की जा रही है कि इस महामेडिकल कैंप में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, दूरी बनाए के रखें, आपस में मिलजुल के ना खड़े हो। जो लाइन लगी हुई है उनसे भी ये गुजारिश है, ये अपील है कि थोड़ा अपने अपने दरमियान फासला रखें, थोड़ा दूर दूर बैठे, दूर दूर खड़े हों। और इस पूरे हम यहाँ पर डॉक्टर खत्री साहब का भी स्वागत करते हैं। डॉक्टर खत्री साहब का बहुत जोरदार स्वागत है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत समाजवादी पार्टी मुंबई जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के साजिद अहमद सिद्दीकी ने बहुत अच्छे मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, और बहुत ही सुविधाजनक है। बहुत आराम से, इतनी भीड़ के बावजूद यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत सुकून से लोगों का चेकअप जारी है। इस पूरे मेडिकल कैंप को आमना सामना मीडिया कवर कर रहा है। आमना सामना मीडिया की वीडियो जर्नलिस्ट शाहिन पटेल इसको कवर कर रही है। आप देख रहे हैं पूरा कि किस तरह से इस मेडिकल कैंप में लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है, जबकि अभी सुबह के सिर्फ 11 बजे हैं, और ये मेडिकल कैंप बहुत देर तक चलेगा। काफ़ी लोग यहाँ पर आएंगे, ऐसा लगता है कि यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं होगी। हो सकता है कि इतनी बड़ी जगह होने के बावजूद ये जगह कम पड़ जाए। आमना सामना मीडिया आपको दिखा रहा है इस मेडिकल कैंप की पूरी जो कार्रवाई है, जिस तरह से यहाँ पर मैनेज किया गया है वो पूरा आपको दिखाया जा रहा है। जो भी पेशेंट हो यहाँ पर, कैंसर के पेशेंट अगर हैं यहाँ पर,
तो यहाँ अंदर आ जाए। मेडिकल कैंप में जो लोग आए हैं उसमें से अगर कोई कैंसर का पेशेंट है और अगर कैंसर चेकअप कराना चाहते हैं तो निखिल धर्माधिकारी जो है और कोर्ट सर्जन चेंबूर हॉस्पिटल के वो यहाँ मौजूद है, आप अंदर आ सकते हैं। कैंसर के पेशेंट जो भी हो वो यहाँ निखिल धर्माधिकारी जी से मिल सकते हैं। डॉक्टर निखिल धर्माधिकारी यहाँ मौजूद है। कैंसर के पेशेंट अपने आप को अपनी जांच करा सकते हैं, वहाँ आके दिखा सकते हैं। समाजवादी पार्टी मुंबई जिला अध्यक्ष, साउथ मुंबई जिला अध्यक्ष साजिद अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज के इस महा मेडिकल कैंप को आयोजन करने में साजिद अहमद सिद्दीकी साहब का बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने इसका आयोजन किया है। आइए हम साजिद अहमद सिद्दीकी से बात करते हैं कि इस मेडिकल कैंप को रखने में क्या मतलब आपका क्या एम है, क्या मकसद है? मकसद तो एक ही है कि लोग मेरे यहाँ के वार्ड नंबर 201 के सेहतमंद हमेशा रहें, सबसे पहला। तो दूसरा, कोरोना काल जो चल रहा है इसमें थोड़ी सी राहत हम सभी लोगों को मिली है और ये सब चेकअप होना ज़रूरी था। कई लोगों ने मुझसे आके बताया कि कभी यहाँ पे मेडिकल होता नहीं है, आप ही ने इसलिए पहले भी रखा था इलेक्शन से पहले 2017 के, आप ही के लिए यहाँ पर मेडिकल कैंप रखो। तो लोगों की आवाज़ पर मैंने यहाँ पर मेडिकल कैंप रखा है और कोरोना काल में जिस तरह अल्लाह ताला ने हमसे जो मदद लिया है ज्ञानेश्वर स्कूल में, उससे तो यहाँ के सारे लोग और मैं समझता हूँ मुंबई शहर की सारी जनता वाकिफ़ है। तो लोगों की अपेक्षा जो हमसे बड़ी हुई थी इसके लिए मेडिकल कैंप ने रखा है और मेरी हमेशा ये दुआ रहेगी कि मेरे यहाँ के सभी लोग वार्ड नंबर 201 के लोगों को जितना सेहतमंद रख सकूँ मैं उतनी पूरी कोशिश हमेशा करूँगा। दोस्तों, कोरोना काल में जिस तरह से जो तकलीफें आई, परेशानी आई, आप लोगों ने बहुत कोरोना काल में काम किया, वो उस तरह का दौर जो है आपको जो क्या याद आता है कि क्या मुश्किलात आई और कितना काम करना पड़ा और क्या हालात थे, आप उसको किस तरह से महसूस करते हैं? देखिए कि कोरोना जो काल चल रहा था उसके अंदर तो आप ही ने देखा है और लोगों ने भी कहा था कि दूरियाँ बनाओ। मैं समझता हूँ कि कोई एक दूसरे के करीब जाता नहीं था, कोई हाथ से एक दूसरे को कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लेता था, किसी तरह के कोई बातचीत भी ज़्यादा हो नहीं पाती थी, लेकिन हम लोगों ने थोड़ी हिम्मत करके लोगों की मदद करने के लिए आगे आए। और मैं डीसीपी हमारे उस टाइम पे रहे, अभी वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं, सौरभ कुमार त्रिपाठी साहब, और ACP इंदलकर साहब और RAKMR पुलिस स्टेशन का हमको बहुत बड़ा सपोर्ट रहा जिसकी वजह से वो पॉसिबल हुआ। और उनकी मदद से हम लोगों ने कम से कम डेली 2000 आदमी का खाना बांटा और उसके बाद कम से कम 5000 घरों में वार्ड नंबर 201 के सभी लोगों के घरों में। और BMC का भी देखो बहुत बड़ा योगदान हमारे साथ रहा, जिन्होंने हर मुमकिन हमारे लिए कोशिश करी कि लोगों को मदद पहुंचे। तो मैं यही चाहता हूं कि ये जो काल कोरोना का काल रहा बड़ा मुसीबत रहा और अल्लाह ताला इन सब ऐसी बीमारियों से और ऐसे आने वाले दिनों से हमें बहुत जल्द निजात दिलाए। ये सही कहा आपने कि पुलिस डिपार्टमेंट खासतौर से जितने पुलिस वाले थे, चाहे वो आला अधिकारी हो या छोटे लेवल के पुलिस हवलदार हो या BMC के कर्मचारी हो, यही और डॉक्टर्स यही जो है कोरोना योद्धा रहे और इन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया इस बम्बई शहर को बचाने में, इस बम्बई अपनी जाने तक गंवाई। तो पुलिस डिपार्टमेंट के इस रोल पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा उनका रोल रहा और यहाँ के जो हमारे लोकल डॉक्टर्स हैं उनका तो यहाँ की जनता हमेशा शुक्रिया अदा करती ही है। शाहिद साहब का, हाँ, डॉक्टर शाहिद साहब है, डॉक्टर खत्री साहब है, मौला, देखो नाम तो बहुत सारे हैं, जितने भी लोकल डॉक्टर्स थे सब ने बहुत मदद करी और सभी लोग यहाँ के जो है ना मैं देख रहा हूँ हमेशा उनका नाम जिक्र लेते ही रहते हैं कि डॉक्टर साहब लोगों ने बहुत मदद करी। उसी तरह पुलिस का एक बहुत अहम रोल रहा, जिन्होंने जितना क्या बोला जाए नरमी से काम किया, जितना लोगों को समझा करके काम किया, बहुत अच्छा काम किया। मैं RAKMR और सारे पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत बहुत हमेशा शुक्रिया अदा करूँगा। जिस तरह BMCF साउथ ने भी हमारी मदद करी उनका भी मैं हमेशा शुक्रिया अदा करूँगा। और साथ ही साथ हमारे वार्ड नंबर 200 की जनता जिस तरह का समझदारी का काम उन्होंने किया, तो आप देखिए यहाँ के अभी एक भी केसेस नहीं है। मैं समझता हूँ स्टार्ट में कई केसेस आए थे थोड़े बहुत, वो भी इंशाल्लाह जल्दी सही हो गए और वही मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला ऐसी बीमारी से हमको दूर रखे बस। COVID-19 को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने जो रोल अदा किया और जिस तरह से लोगों को बचाने का काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार को, उद्धव ठाकरे सरकार को भी बदनाम करने की कोशिश की गई, आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी भी जो आज सरकार के साथ में या सपोर्ट कर रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे महाराष्ट्र सरकार को? मेरी समाजवादी पार्टी और हमारे अबू आसिम आजमी साहब हमेशा सच्चाई का और सही आदमी का साथ देते हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे साहब का साथ देने का निर्णय पहले से लिया, शरद पवार जी का साथ देने का पहले से निर्णय किया, उनको पता है कि यही लोग हैं जो महाराष्ट्र को हर मुश्किल से निजात दिलाएंगे। और आप देख ही रहे हो कि COVID-19 में जिस तरह उद्धव सरकार ने मेहनत की है,
सभी हमारी महागठबंधन सरकार ने लोगों ने मदद की, लोगों की जिस तरह मदद की है मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करूँगा। और उद्धव ठाकरे साहब मैं समझता हूँ महाराष्ट्र के लिए नंबर वन चीफ मिनिस्टर है, और मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से हमेशा चाहूँगा कि हमारा समर्थन उनके साथ हमेशा रहे और वो हमेशा यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने रहें। इससे पहले भी आपने वार्ड नंबर 201 से इलेक्शन लड़ा है समाजवादी पार्टी से, जैसे कि आप उद्धव ठाकरे जी की आप तारीफ कर रहे हैं, कोरोना काल में बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, सरकार ने काम किया, लेकिन आने वाले इलेक्शन में शिवसेना के उम्मीदवार भी आपके सामने होंगे, तब आप क्या क्या कहेंगे? देखिए पब्लिक जो लोग हैं ना हमारे, ये काम को देख रहे हैं इस बार, और मैं समझता हूँ कि इस बार जीत जो काम करेगा उसी की होगी। देखिए मेरा काम है इलेक्शन में खड़े होना, लड़ना, लोगों की मदद के लिए आगे आना। जीत हार अल्लाह ताला के हाथ में है। वैसे तो बहुत सारे कैंडिडेट्स आएंगे, कुछ आज़ाद भी आएंगे, कुछ कैसे भी आएंगे, लेकिन इंशाल्लाह वार्ड नंबर 201 की जनता इस बार काम के सिलसिले में उसी को जिताएगी जो काम करेगा, जो उनके बीच रहेगा। वैसे आपको ये बता दूँ एक कि हमारे यहाँ के जो नगर सेवक अभी जो है रनिंग में, उन्होंने लोगों का कहना है कि कोई भी काम करने को तैयार नहीं थे, जब से हम लोगों ने कोरोना काल में मदद करना लोगों की शुरू की वो भी आगे आए हैं और वो भी काम कर रहे हैं, और इस बार इंशाल्लाह जीत समाजवादी पार्टी की साजिद अहमद सिद्दीकी की होगी। जैसे कि आपने कहा कि इसको उद्धव ठाकरे ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम कर रहे हैं कुछ आरएसएस के लोग, देखिए उनका काम तो है बोलना, वो काम यही करते हैं, उनको काम तो करना रहता नहीं है, लेकिन पूरे देश ने देखा है कि उद्धव ठाकरे साहब ने जिस तरह मेहनत की है और कंधे से कंधा मिला के काम किया है, इसके लिए मैं उद्धव ठाकरे साहब का और समाजवादी पार्टी से जो है अबू आसिम आदमी साहब ने जिस तरह काम किया है उनके नेतृत्व में रहते हुए, मैं इन सभी लीडर्स का शुक्रिया अदा करता रहूँगा। इस मेडिकल कैंप को क्या हम आने वाले इलेक्शन की तैयारी समझें? हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोगों का देखो काम करेंगे तो ही तो ये भी एक काम का हिस्सा है कि जिस तरह नगर सेवक के चुनाव में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयारियां करनी पड़ती है, ये भी एक उसी तरह का काम का हिस्सा ही आप समझिए। लेकिन सबसे पहला मेरा एक ही नज़रिया रहता है, लोगों की सेवा, लोगों की मदद, चाहे आप लोग कोई भी इसको इलेक्शन की नज़र से देखें या फिर मदद की नज़र से देखें, मेरा नज़रिया सिर्फ एक है कि लोगों की मदद होना चाहिए बस। एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे ख़ासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी में कि जब भी इलेक्शन आता है कि हमारे वोट जो है ना वो बंटवारा हो जाता है, वोटों का बंटवारा बहुत बड़ा एक यानी कि इस तरह से जो फ़िरका परस्त जो अनासिर हैं या शरपसंद अनासिर हैं उनको फ़ायदा पहुँचता है, तो आप वोटों के बंटवारों को किस तरह रोकेंगे और क्या अपील करेंगे लोगों से आप? देखिए मैं आपको ये बता दूं कि हमारी तैयारी बहुत ज़ोरों से चल रही है और हम लोग घर घर पहुँच के, जैसे कि हमने कम से कम 25 से 30 हज़ार मास्क घर घर जाके दिए हैं, लोगों से मुलाकात की, उनके मसले मसाइल पूछे हैं, लोगों के घर घर जाके हम लोगों ने कैलेंडर बांटे हैं, लोगों के मसले मसाइल पूछे हैं, और मसले मसाइल पूछने के साथ साथ हम लोग BMC भी कैप्चर कर रहे हैं, वहाँ के भी लोग हमको मदद कर रहे हैं और लोगों के काम बन रहे हैं। देखो नगर सेवक का इलेक्शन लड़ना और वो तो जीतना अलग बात है, लेकिन लोगों के घर में आपका दिल कर जाना एक बहुत बड़ी बात है करके, और इंशाल्लाह वो सवाल क्या वोटों की तकसीम को आप कैसे रोकेंगे, क्या उसके लिए आपने लोगों से कन्विंस किया, आपने लोगों से बात की है? वही मैं बता रहा था कि हम लोग घर घर जो पहुँच रहे हैं ना, लोगों ने हमको पूरा आश्वासन दिया कि कोई भी आवे इस बार आप जिस तरह मेहनत कर रहे हैं हम लोग के नज़र में आप साजिद भाई आप ही हैं, और इंशाल्लाह सारा इलाका मैं समझता हूँ कि वोट समाजवादी पार्टी को ही करेगा। दूसरा ये भी बता दूं कि समाजवादी पार्टी यहाँ पे पूरे मुंबई शहर में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत कर आएगी। ये थे हमारे साथ में साजिद अहमद सिद्दीकी साहब, जो कि इस इलाके के समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं, जिससे पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, बहुत सारी खिदमत उन्होंने अंजाम दी है और आगे भी इस तरह का काम वो करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद अहमद सिद्दीकी, शुक्रिया, खुदा हाफिज। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ राशिद अजीम। इस मेडिकल कैंप में जो भी इस कैंप के अंदर जो भी चेकअप किया जा रहा है आपको बताया जा रहा है, इसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, ECG ये भी आपको कैडेट के लिए जो भी पेशेंट है वो भी दिखा सकते हैं, और कैंसर के लिए यहाँ पे डॉक्टर धर्म निखिल अधिकारी सर आए हैं। अगर कोई कैंसर का पेशेंट है तो प्लीज़ डॉक्टर साहब सिर्फ एक घंटे के लिए आए हैं, तो वो अपना जो भी रिपोर्ट है वो सर को दिखा दें, उसके बाद में आपका ब्लड का जो टेस्टिंग हो रहा है उसमें आपको फ्री में आपको क्रिएटिन, CBC, क्रिस्टोल विद रैंडम शुगर। आई चेकअप के लिए आप जाओगे तो आई चेकअप में आपको फ्री आई चेकअप हो रहा है, जो 50 के ऊपर है उनको चश्मा फ्री दिया जाएगा, जो 50 के अंदर है उनसे 100 रुपये चार्जेस किया जाएगा। उसके बाद में आपके लिए जो भी अंदर फुल बॉडी चेकअप का मशीन लगा हुआ है, अस्थमे का मशीन लगा हुआ है, आपको डॉक्टर साहब से अगर डेंटल है यहाँ पे जो स्थानीय है यहाँ के वो भी आपको, अगर किसी को दांत चेकअप कराना है तो दांत भी चेकअप करा सकता है। उसी के साथ में जो भी डॉक्टर यहाँ पे आपको जनरल कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो भी आप यहाँ पर चेकिंग करा सकते हैं, और उसके साथ में आपको मेडिसिन भी फ्री दी जाएगी यहाँ पे, जो भी मेडिसिन लगेगा। आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंप का फ़ायदा उठाएँ,
यही हमारी शुभकामना है। मेरे भाई अश्वास से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर शाहिद को, डॉक्टर शाहिद साहब को एक सवाल पहनाए, जोरदार तालियों से स्वागत करें। दोस्तों ये वो डॉक्टर है जिन्होंने हमें बहुत बड़ी आफत से दूर रखा है। मैं इन सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा नितिन कैंसर सर्जन स्पेशलिस्ट डॉक्टर धर्म निखिल अधिकारी सर का सत्कार एसीपी साहब ने किया है। हमारे नेता नवाज शेख स्टेज पे आए, मेहरबानी करके स्टेज पे आए। हम सब युवा की दिल की धड़कन शहनवाज खान का मुंबई प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। शाहिद कुरैशी साहब, नरेंद्र छातम साहब मंच पर आ जाए। साजिद अहमद कुरैशी साहब का साल पहनाकर इस्तकबाल करेंगे। साजिद कुरैशी साहब का कल्याण सिंह यूथ ब्रिगेड प्रेसिडेंट शहनवाज खान साहब साल पहनाकर उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। प्रेसिडेंट साजिद अहमद सिद्दीकी मुंबई मुंबई प्रदेश यूथ ब्रिगेड प्रेसिडेंट शहनवाज खान साहब का साल पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करेंगे। इस वार्ड की आने वाली समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट है एरम साजिद सिद्दीकी साहबा, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है मुफ्त मेडिकल कैंप। और इसी तरह से कुछ दिन पहले वार्ड नंबर 201 एरम साजिद सिद्दीकी साहबा की तरफ से सारे 201 वार्ड नंबर के हॉकर्स लोगों को छतरी दी गई थी। फिर उसके पहले कुछ दिन पहले मास्क पूरे 201 वार्ड नंबर में बांटे गए थे। पूरे लॉकडाउन में एरम साजिद सिद्दीकी साहिबा सबसे आगे बढ़ चढ़कर बिना किसी इलेक्शन में जीत हासिल किए भी काम करती नजर आ रही हैं। और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि दो शख्स अपने मंच पर माइक से बोले। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं चाहता हूं कि स्टेज पर मेरे मोहम्मद अली भाई, जावेद भाई, सरफराज भाई, अकबर भाई, अतीफ भाई, नवाज भाई, जलाल भाई, मेरा बड़ा भाई अशफाक भाई आ जाओ, और हमारे भाई साहब जुम्मा भाई सब स्टेज पे आ जाओ। अहमद भाई भी हमारे जो है, और जिन लोगों का मैं नाम नहीं लिया, तमीर भाई भी आ जाए, जफर भाई भी, अतीफ भाई भी, सब स्टेज पे आ जाओ। एक सेल्फी ले करके हम लोगों को 2022 के इलेक्शन की तैयारी लोगों को करके दिखानी है कि हम लोग आने वाले 2022 के इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जिसका इस्तेमाल समाजवादी पार्टी साउथ सेंट्रल की तरफ से किया जा रहा है। सीवीडीटी जो हमारे डॉक्टर्स की टीम है कदम। टीम का सत्कार समाजवादी पार्टी करेगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से डॉक्टर अख्तर साहब का इस्तकबाल किया जा रहा है, जो साजिद सिद्दीकी साहब को भेंट किया गया है। साजिद सिद्दीकी साहब को साइकिल भेंट किया गया है शैलेश साहब का। स्टेज पे आए भावी उम्मीदवार भावी नगर सेविका एरम साजिद सिद्दीकी साहिबा, उनका डॉक्टर का इस्तेमाल कर रही है।
सैयद नजीम साहब के हाथों से सत्कार किया जा रहा है इंस्पेक्टर लेबोरेटरी जो ब्लड चेकिंग का उनकी टीम का अमन कमेटी के जो सत्र है उन्होंने एक डेलीगेशन गवर्नर हाउस जाने की कोशिश की है और एक रैली की शक्ल में हमने इस्लाम जीम थाना से 16 तारीख को निकलेंगे जो आजाद मैदान तक जाएगा और वहां से डेलीगेशन गवर्नर हाउस जाएगा। मैं वार्ड नंबर 201 या फिर मेरे जिले साउथ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस रैली का हिस्सा जरूर बने। किसान है तो देश का हर इंसान जिंदा रहेगा, किसान का सपोर्ट करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मैसेज को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और एक बड़ी तादाद में इस्लाम जीम खाना में 16 तारीख को 2 बजे तक पहुंचने की पूरी कोशिश करें। किसानों का समर्थन ही इस देश के सभी नागरिकों का मकसद होना चाहिए। शुक्रिया दोस्तों, जय समाजवाद।